नमस्कार दोस्तों, मेंटर फ्लुएंट यूट्यूब चैनल पर भगवत गीता की साइकोलॉजी पर एक अभूतपूर्व व्याख्या मैं गीता हूँ बाय दीप त्रिवेदी पुस्तक के हिंदी ऑडियो बुक समरी में आपका स्वागत है। एपिसोड एक, मेरा परिचय। मैं भगवत गीता हूँ, ऐसा कौन है जिसे मेरे बाबत नहीं मालूम। सभी जानते हैं कि मैं कृष्ण के मुख से बही हूँ और निश्चित ही यह मेरे लिए गौरव की बात है कि कृष्ण जैसे ऐतिहासिक पुरुष मेरे जन्मदाता हैं। परंतु उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात तो यह है कि मैं कृष्ण के भी परम चैतन्य से बही हूँ और यही बात मुझे ग्रंथों का कोहिनूर बना देती है। यदि मुझे सत्य की बहती गंगा कहा जाता है तो गलत नहीं है, क्योंकि मनुष्य जीवन के तमाम रहस्य मुझ में छिपे हुए हैं। जीवन से संबंधित ऐसा कोई प्रश्न नहीं जिसका उत्तर मुझ में न समाया हो। कर्म क्या है, कर्म से फल का क्या ताल्लुक है, जन्म पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है, मनुष्य जीवन का मकसद क्या है, परमात्मा क्या है, मनुष्य के सुखी और सफल होने के सूत्र क्या हैं, इन सारे तथा इन जैसे अन्य तमाम प्रश्नों के उत्तर मुझ में उपलब्ध हैं। यही क्यों जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय के सिद्धांत भी मुझ में वर्णित हैं। निश्चित ही जब इतना कुछ मेरे भीतर छिपा हुआ है तो मुझे पढ़ने और समझने से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे ही पढ़ लिया, मुझे ही समझ लिया तो जीवन में दुख व असफलताएं बचे ही कैसे। लेकिन इतिहास गवाह है कि युगों से मनुष्य जीवन सिवाय दुख और असफलताओं के और कुछ नहीं है। मेरे जैसे ग्रंथ की मौजूदगी से भी इसमें कोई बदलाव नहीं आया है। इसका अर्थ यह नहीं है कि लोगों ने मुझे पढ़ने या समझने का प्रयास नहीं किया है। दुनिया के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले ग्रंथों में मेरा भी शुमार होता है। तो इसका सीधा अर्थ यह है कि मुझे पढ़ा तो गया है परंतु समझा नहीं गया है, जबकि महत्वपूर्ण पढ़ना नहीं समझना होता है, और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण समझी बात को जीवन में उतारना होता है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे समझने और समझाने दोनों में मनुष्यों ने गच्चा खाया है। फिर कहते हैं कि मैं बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हूँ। अरे भाई, मैं तो कृष्ण जैसे सरल व्यक्ति के मुख से बही हूँ, रत्ती भर कॉम्प्लिकेटेड नहीं। अब आप शीर्षासन कर मुझे पढ़ने और समझने की कोशिश करें तो उसमें मेरा या मेरे जन्मदाता का क्या दोष। खैर छोड़ो, मैं अपना महत्व जानती हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे समझकर मनुष्य अपना परम उद्धार कर सकता है। यूं भी मेरा जन्म अर्जुन का उद्धार करने हेतु ही हुआ था, और कौन है संसार में जो अर्जुन नहीं, कौन है जिसे मुझे पढ़ने और समझने की आवश्यकता नहीं। परंतु चूंकि आप लोगों को मुझे समझने में अड़चन आ रही है, इसलिए आज मैं स्वयं अपने रहस्यों पर से पर्दा उठाने चली आई हूँ। क्योंकि चाहे जो हो, मनुष्यों का उद्धार करने की कृष्ण की करुणा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए, और मुझे उम्मीद ही नहीं यकीन भी है कि मेरे इस प्रयास से मनुष्य जीवन पर छाए दुख व असफलता के बादल हमेशा के लिए छट जाएंगे। निश्चित ही इससे एक ऐसे स्वर्णिम युग का आगमन होगा कि जहां घर घर में कृष्ण के स्वरूप नजर आएंगे। और इसी आशा के साथ मेरे अस्तित्व में आने के करीब 5000 वर्ष बाद आज मैं आपके सामने प्रकट हो रही हूँ, आपकी अपनी भगवत गीता। मुझे समझने और ग्रहण करने में आने वाली बाधाएं। मुझे समझने में चार प्रमुख बाधाएं हैं, और मैं सबसे पहले उन बाधाओं को दूर कर देना चाहती हूँ। मेरे बाबत पूर्वाग्रह, कृष्ण के मुख से बहे मुझे 5000 वर्ष हो गए। इस दरमियान मुझे पढ़ा तो करोड़ों ने, परंतु समझा चंद लोगों ने ही। क्यों? क्योंकि मुझे जिसने भी पढ़ा पूर्वाग्रह से पढ़ा। कृष्ण भगवान है, गीता सत्य है। अब किसी ग्रंथ के बाबत पहले से इतना पूर्वाग्रह रखेंगे तो समझेंगे कैसे? अरे यह सीधे सीधे दो व्यक्तियों की चर्चा है, दोनों में मतभेद है। आपको तो खुले मन से समझना है कि दोनों में कौन सही है, कौन क्या कह रहा है। लेकिन यदि पहले ही तय है कि
कृष्ण सही हैं और अर्जुन गलत है तो समझेंगे कैसे? बात समझने से पूर्व ही सही गलत का फैसला आप कर चुके हैं, तो आप सही निर्णय पर पहुँचेंगे कैसे? उन बातों की गहराई समझेंगे कैसे? दोनों के तर्क वितर्क के उतार चढ़ावों को कैसे पहचानेंगे? और फिर जब निर्णय कर ही चुके हैं तो बातचीत सुनने या पढ़ने का महत्व ही क्या है? सो इतना ही समझे कि मैं एक ऐसा ग्रंथ हूँ जिसमें दो व्यक्तियों के बीच युद्ध करने या न करने में क्या श्रेष्ठ है उस पर वाद विवाद चल रहा है, और निर्णय आपको करना है कि कौन सही है और कौन गलत है। और जब निर्णय आपको करना है तो दोनों के हर एक तर्क को ध्यान से समझिए। बस इतनी सी तो बात है। सत्य की गलत परिभाषा। मुझे समझने में यह दूसरी बाधा है। हर कोई यह मानकर चलता है कि गीता कृष्ण ने कही तो इसमें उन्होंने सब कुछ सत्य ही कहा है, अतः उस पर सोचना ही नहीं, बस जो जितना और जैसा समझ में आए उस पर अमल कर दो। कृष्ण ने कहा मैं जुआ हूँ तो सोचो ही मत, चुपचाप जन्माष्टमी पर जुआ खेलने बैठ जाओ। अब यह तो मुझ जैसे महान ग्रंथ का ही नहीं, कृष्ण जैसे युग पुरुष का भी अपमान हुआ। अब कृष्ण ने तो सत्य ही कहा है, परंतु समझते क्यों नहीं कि जगत त्रिगुणी माया से घिरा हुआ है और सत्य भी उसमें अपवाद नहीं है। कोई कर्म, कोई विचार, कोई शब्द, कुछ भी जगत की त्रिगुणी माया से आज़ाद नहीं है। और जिसे जगत की त्रिगुणी माया का ही ज्ञान नहीं, वह मुझे तो बहुत दूर की बात है। वह तो संसार के मामूली सत्य तक नहीं समझ पा सकता है। खैर, अभी तो मैं आपको सत्य की त्रिगुणी माया के बाबत बता रही थी। सो यह सच है कि गीता में सत्य कहा है, परंतु यह बता दूं कि जगत की त्रिगुणी माया के आधार पर सत्य के तीन प्रकार होते हैं। सनातन सत्य। सनातन सत्य अर्थात ऐसे सिद्धांत जो हर युग के हर मनुष्य पर बराबरी पे लागू हो, बिना अपवाद और बिना पक्षपात के, जैसे कर्म और उसके फल के सिद्धांत, जैसे जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत। दूसरा, समय का सत्य, जो युग के अनुसार कहे जाते हैं और कृष्ण अनेकों बार अर्जुन को समझाने हेतु उस युग के प्रचलित शास्त्रों और परंपराओं का सहारा लेते हैं। हालांकि कृष्ण को अपनी बात कहने हेतु किसी सहारा की आवश्यकता नहीं, परंतु अर्जुन की यह आवश्यकता है। सो कृष्ण मात्र बेहतर संवाद स्थापित करने हेतु उस समय के शास्त्रों के चंद उदाहरण देते हैं, परंतु चूंकि ये सब कोरे उदाहरण मात्र हैं, अतः युग और शास्त्र के परिवर्तित होते ही ये सब भी परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हर काल का मनुष्य गीता में कहे उन समय के सत्यों को ही ज़्यादा महत्व देता आया है, और यह बात भी मेरा मर्म समझने में बाधा है। तीसरा, व्यक्तिगत सत्य। हर एक को यह समझना ही रहा कि कृष्ण के ये सारी बातें अर्जुन से कह रहे हैं। सो अनेक बातें वे अर्जुन की उस वक्त की मनोदशा को देखते हुए भी कहते हैं, जिसे आप आज की भाषा में यह भी कह सकते हैं कि वे अर्जुन को साइको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। आपको यह भी समझना ही रहा कि ये सारी बातें उन्होंने अर्जुन से कही है, आपसे नहीं। वे आपके लिए तभी उपयोगी हैं जब आपकी और अर्जुन की मानसिकता मेल खाती हो, वरना तो आपको कृष्ण की कही बातों को अपनी मानसिकता के अनुसार ढालना है। और यह गीता आपके लिए तभी उपयोगी हो सकती है जब आप कृष्ण की कही बातों को अपनी मानसिकता में ढाल पाएं। चलो यही बात मैं आपको एक और युग पुरुष बुद्ध के एक दृष्टांत से समझाता हूँ। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों को प्रवचन दे रहे थे, तभी एक मरियल सा व्यक्ति बुद्ध से ज्ञान लेने आया। बुद्ध ने उसकी हालत पर एक नज़र घुमाई और फिर करुणावश बोले, ज्ञान तो तुझे मिल ही जाएगा, परंतु उस हेतु पहले तुझे खा पी कर हट्टा कट्टा होना पड़ेगा। जैसी आज्ञा, कहते हुए वह व्यक्ति चला गया। कुछ देर बाद एक तोंदुमल आया। उसका पेट इतना तो बड़ा था कि उससे ठीक से चलते तक नहीं बन पा रहा था।
वह भी बुद्ध से ज्ञान पाने की अपेक्षा लिए ही आया था। बुद्ध ने उस पर भी एक पैनी दृष्टि घुमाई, फिर हंसते हुए बोले, ज्ञान तो कोई बड़ी बात है नहीं, वह तो पल भर में हो जाएगा। बस उस हेतु तुझे कठोर उपवास व कड़े व्यायाम के जरिए अपनी शरीर आधा करना होगा, जैसी प्रभु की आज्ञा, कहते हुए वह भी चला गया। इधर बुद्ध का शिष्य आनंद वहीं बुद्ध के पास बैठा था, वह संशय में पड़ गया, उससे रहा न गया। उसने तत्क्षण बुद्ध से पूछा, कमाल है, आप एक को खाने को कहते हैं और दूसरे को उपवास करने को। कृपा कर यह बताइए कि ज्ञान पाने हेतु मैं कौन सा मार्ग अपनाऊँ। बुद्ध हंसते हुए बोले, आनंद, मैंने तुमसे कुछ भी कहा है नहीं ना? बस तो तुम दूसरों से कही बातें क्यों सुनते हो? वे उन दोनों को कहे उनके व्यक्तिगत सत्य थे, उससे तुम्हारा कहीं कोई ताल्लुक नहीं। उम्मीद है कि अब व्यक्तिगत सत्य के बाबत जो मैं समझाना चाह रही हूँ वह आप समझ गए होंगे। गीता एक अविरल ग्रंथ, मुझे समझने में यह भी एक बाधा है। मैंने अक्सर लोगों को श्लोकों के अन्वय और विच्छेद को ही समझने तथा समझाने का प्रयास करते देखा है, और यह गलत है। इसके हर श्लोक की अपनी एक पृष्ठभूमि तो है ही, साथ ही यह दो व्यक्तियों की लगातार चल रही बातचीत की एक श्रृंखला भी है। इसके किसी भी श्लोक की अलग से कोई विवेचना करी ही नहीं जा सकती है। यह किसी के एक तरफा कहे सूत्र नहीं है, यह 18 अध्यायों में निबद्ध 700 श्लोकों तक चलने वाली एक अनवरत बातचीत है। इसमें कृष्ण अर्जुन के सवालों का जवाब देते हैं और अर्जुन कृष्ण के जवाब से फिर सवाल उठाता है। कृष्ण जहां छोड़ते हैं अर्जुन वहीं से बातचीत को आगे बढ़ाता है, अतः मुझे टुकड़े टुकड़े में समझा ही नहीं जा सकता है, मुझे सिलसिलेवार पूरा का पूरा एक साथ समझना पड़ता है। और सच कहूं तो पूरा सिलसिलेवार समझाने हेतु ही मैं आज प्रकट हुई हूं, ताकि मेरा सही मर्म हर कोई समझ सके। क्रिया की त्रिगुणी माया। मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि संसार का ऐसा कोई कण या विचार नहीं, ऐसा कोई कर्म या भाव नहीं जो कि जगत की इस त्रिगुणी माया से परे हो। वैसे ही मेरा बहना भी एक क्रिया है, और इस क्रिया की भी अपनी एक त्रिगुणी माया है। उस क्रिया के भी अपने तीन आधार हैं, और वे हैं कृष्ण, अर्जुन और महाभारत का युद्ध। यदि इनमें से किसी एक का भी अभाव होता तो मैं अस्तित्व में न आती। अतः मेरा मर्म समझना है तो इन तीनों की पृष्ठभूमि समझना बहुत जरूरी है। कृष्ण जो परम ज्ञानी है एवं पूर्ण ब्रह्मचर्य में स्थित है, अर्थात प्रकृति की इस महान लीला में वे कभी कोई दखलंदाजी नहीं करते हैं। यही कारण है कि इससे पूर्व उन्होंने कभी किसी को कुछ करने को नहीं कहा, न ही कभी किसी को कुछ करने से रोका। और गीता का सार समझने हेतु कृष्ण का यह ब्रह्मचर्य हमेशा के लिए जहन में बिठा लेना जरूरी है। कृष्ण के व्यक्तित्व की दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उनका पूरा जीवन सर्व हेतु न्योछावर था, और उन्हें इस महायुद्ध की भनक 20 वर्ष पहले से थी। वे इस महाविनाश को टालना चाहते थे, और इस हेतु उन्होंने जी जान से प्रयास भी किए थे, परंतु जब युद्ध अटल हो चुका तो अर्जुन के युद्ध से इनकार किए जाने के कारण उन्होंने जो कुछ कहा उससे मैं अस्तित्व में आई। अर्जुन जो पिछले 40 से भी ज़्यादा वर्षों से राज्य पाने हेतु कौरवों से शत्रुता पालता आ रहा है, और आज अपने आपसी झगड़े को युद्ध के अंजाम तक पहुंचाने के बाद अचानक युद्ध से इनकार कर रहा है। महाभारत उस युग के अधिकांश राजा आपसी द्वेष व जाति महत्वाकांक्षा से ग्रसित थे। इस युद्ध में इतने राजाओं का शामिल होना उनके आपसी द्वेष और महत्वाकांक्षाओं का महाविस्फोट है। अतः यह युद्ध के
अतः यह युद्ध केवल कौरवों तथा पांडवों की ही नहीं बल्कि पूरे युग की मानसिकता को दर्शाता है। सो उम्मीद करती हूँ कि मुझे समझने में जो चार बाधाएँ मैंने बताई हैं उन्हें दूर कर आप मेरे मुख से मेरा मर्म समझने हेतु तैयार हो चुके होंगे। मुझे संपूर्णता से समझो, यह तो मैं पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं बहुत गहरे अर्थ अपने में समाये हुए हूँ। मनुष्य के मन, जीवन तथा ब्रह्मांड से संबंधित तमाम महत्वपूर्ण बातों पर मुझ में विस्तार से चर्चा करी गई है और निश्चित ही इस किताब में हम अर्जुन व कृष्ण के जरिए संपूर्ण 700 श्लोकों का सार समझेंगे। परंतु मेरा निवेदन यह है कि आप यहाँ रुक मत जाना, मेरे द्वारा समझाए गए सार को आप एक गाइड के तौर पर लेना, क्योंकि मुझ में तो इतना समाया हुआ है कि 50 किताबें लिखी जाएं तो भी कम पड़े। फिर कृष्ण तो सत्य की पराकाष्ठा पर विराजमान हैं और सत्य की एक ही खूबी है कि जब तक वह भीतर गहरे में अनुभव न हो जाए तब तक किसी काम का नहीं। कागजी या कोड़े सत्य के सहारे मनुष्य दो कदम भी नहीं चल सकता। निश्चित ही अध्याय का सार समझने के बाद आपके लिए उन श्लोकों को समझना इतना मुश्किल नहीं होगा। आप तो अर्जुन की बातों से उसकी बदलती मनोदशा पर गौर करें और कृष्ण की बातों से तमाम सत्यों का अनुभव करने की कोशिश करें। यह कोशिश रोज रोज व लगातार करें, इससे सत्य आपके गहरे में उतरता चला जाएगा। विश्वास जाने कि मुझसे बेहतर आपका दोस्त, शुभचिंतक तथा मार्गदर्शक दूसरा कोई नहीं हो सकता। ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि कृष्ण सत्य की अंतिम ऊंचाई से सब कुछ कह रहे हैं, अतः उनकी बातों को प्रचलित धर्म ग्रंथों तथा अपनी मान्यताओं व विचारों के तराजू पर तौलने मत बैठ जाना, वरना भटक जाएंगे। कृष्ण संसार में कहीं कई तमाम बातों से उस पर ऊपर हैं, वे सत्य की सीधी उद्घोषणा कर रहे हैं, अतः उनकी अधिकांश बातें नवीन हैं। इससे सत्य से आपका एकात्म हो जाएगा और वह शुभ संयोग घटित हो, इसी उम्मीद के साथ मैं यह किताब आपको समर्पित कर रही हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, लाइफ को एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए। आपका कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।